यूनिट टेन द ब्लॉक एलिमेंट एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो एक्सेप्शनल बिहेवियर या फिर एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफर होती है काफ़ी सारे रेस्पेक्ट में फ्रॉम दी अदर मेम्बर ऑफ़ दी ग्रुप जिस ग्रुप में ये प्रजेंट होते हैं उस ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उनसे ये कुछ प्रॉपर्टी डिफ, डिफर, डिफरेंट शो करते हैं ठीक है एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस और बाइटल के अंदर एंटर करे ठीक है एस ब्लॉक एलिमेंट कौन होते हैं जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस और बाइटल के अंदर एंट्री करें एस और बाइटल क्योंकि एस 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 और बाइटल सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है तो दो ग्रुप बन जाते हैं इस से एस ब्लॉक के ठीक है दो इलेक्ट्रॉन एस और वाइटल को एकोमोडेट कर सकते हैं इसी वजह से क्या है दो ग्रुप बनते हैं एस ब्लॉक के ठीक है ग्रुप वन ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ अगर हम ग्रुप वन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है लिथियम सोडियम पोटाशियम रोबीडियम सीजियम फ्रेंसीियम और इन्हीं को कलेक्टिवली कहते हैं एल्कली मेटल इनको अल्कली uh, क्यों कहते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रांग एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं जो कि बेसिक होती है और स्ट्रांग या फिर स्ट्रांग एल्कलाइन होती है नेचर में ग्रुप सेकंड की बात करें तो इसके अंदर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम और रेडियम आ जाते हैं ये एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम क्योंकि बेरिलियम क्या है फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का इनको क्या कहते हैं ये और ये बेरिलियम भी क्या करेगा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा तो बेरिलियम को छोड़कर बाकी सबको क्या कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं लेकिन एल्कली मेटल में इन्होंने कुछ लिथियम को नहीं कहा कहा कि लिथियम को एल्कली मेटल नहीं कहेंगे बल्कि लिथियम को भी एल्कली uh, मेटल में ही कंसिडर किया गया है लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो बेरिलियम को हटा दिया गया है कि बेरिलियम विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरियम बेरिलियम ऑल अदर एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ग्रुप आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं क्योंकि इनके भी वाटर uh, के साथ रिएक्शन करके या फिर जो इनके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं नेचर में और ये मेटल ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट के अंदर ही पाए जाते हैं एल्कली मेटल की बात करें तो सोडियम और पोटाशियम अबेंडेंट होते हैं लिथियम सोडियम सीजियम की बहुत ही कम अबेंडेंस होती है फ्रेंसीम हाईली रेडियो एक्टिव होता है और लॉन्गेस्ट लिफ्ड आइसोटोप है ठीक है लॉन्गेस्ट लिफ्ड आइसोटोप है फ्रेंसीयम की बात करें तो हाफ लाइफ ट्वेंटी वन मिनट होती है और एल्कल एट मेटल के अंदर कैल्शियम के और मैगनीशियम की रैंकिंग की बात करें तो फिफ्थ और सिक्स होती है अबेंडेंस में ठीक है स्ट्रॉन्जियम और बेरियम की कम अब अबंडेंस होती है बे रिलियम रेयर होता है और रेडियम की बात करें तो ये सबसे रेयरिस्ट होता है ऑफ ऑल कंप्राइजिंग अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो निगेटिव फॉर माइनस टेन परसेंट ऑफ इग्नियस रॉक ठीक है अब बात करते हम लीथीम uh, और बेरिलियम चूंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप और ग्रुप uh, वन के ग्रुप टू के तो इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो डिफरेंट होती है बाकी मेंबर से इनके रेस्पेक्टिव ग्रुप के बाकी मेंबर से इस एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ uh, की वजह से ये जो है इन दीज एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ एनोमोलस प्रॉपर्टीज के अंदर ये क्या करते हैं फॉलोइंग ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ रिसम्बलेंस शो करते हैं जैसे लिथियम ग्रुप वन से बिलोंग करता है तो ये रिसम्बलेंस शो करता है ग्रुप सेकेंड के ग्रुप नंबर सेकेंड के सेकेंड एलिमेंट से दैट मीन्स मैग्नीशियम के साथ तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ सेम उसी तरीके से बेडिलियन जैसे जो कि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है वो भी फर्स्ट एलिमेंट है ठीक है वो रिसम्बलेंस शो करेगा फॉलोइंग ग्रुप मतलब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से वो भी किस है? से सेकेंड से ठीक है थीके? मतलब सेकेंड एलुमिनियम क्या हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट है थर्ड ग्रुप का तो बेरिलियम एलुमिनियम से कर जाएगा ठीक तो ये हो गई डायगोनल सिमिलैरिटी और इसको कॉमनली डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप किस वजह से होती तो ये आयनिक साइज़ या फिर चार्ज अपॉन रेडियस रेशो की वजह से होती है ठीक है डायगोनल रिलेशनशिप किस वजह से होती है या फिर क्यों होती है आयनिक साइज़ या फिर चार्ज अपॉन रेडियस रेशो की सिमिलैरिटी की वजह से किस वजह से सिमिलैरिटी इन आयनिक साइज़ एंड चार्ज या फिर चार्ज अपॉन रेडियस रेशो की वजह से ठीक मोनोवेलेंट सोडियम और पोटेशियम आयन और डायवर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन लार्ज प्रोपोर्शन में बायोलॉजिकल फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं ये आयन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जैसे आयनिक बैलेंस हो गया और नर्व नर्वपल्स कंडक्शन बात करते हैं हम टेन पॉइंट वन की ग्रुप वन एल्कली एलिमेंट्स एलकली मेटल एलकली मेटल एक रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ठीक बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एन एस वन आउटसाइड द नोबल गैस कोर ठीक है लूजली हेड एस इलेक्ट्रॉन आउटर आउटर मोस्ट बैलेंस शेल में प्रजेंट होता है इन एलिमेंट की जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल बन जाते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल इन्हें क्यों कहा गया है क्योंकि आउटर मोस्ट जो एस और बाइटल है उसके आउटर मोस्ट जो एस इलेक्ट्रॉन है ठीक है वो क्या है लूजली uh, हेल्ड हुआ रहता है लूजली अटैच हो लूजली हेल्ड हुआ रहता है और वो आसानी से बाहर के इन्वामेंट से मतलब रिएक्शन आसानी से कर सकता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल आराम से उसको लूज़ कर सकता है क्योंकि वो लूजली हेल्ड है तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके आराम से मोनोवाइलेंट आयन बना लेते हैं और इसी वजह से इनको फ्री स्टेट में नहीं देखने को मिलता है इसी वजह से ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आप देख सकते हैं बात करते हैं अटामिक और आयनिक रेडिया की तो एल्कली मेटल का जो है लार्जेस्ट साइज़ होता है अगर किसी पीरियोडिक टेबल की पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं ठीक है मेटल आइटम का क्या होता है लार्जेस्ट साइज होता है विद इंक्रीज इन नंबर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो होता है एटॉमिक रेडियस भी आइटम भी क्या होता है लार्ज होता जाता है मोनोवैलेंट आयन की बात कर जैसे अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसकी जो है रेडियस uh, छोटी हो जाती है ठीक है पेरेंट आइटम के मुकाबले ठीक एटॉम इलेक्ट्रॉन के लॉस इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के बाद जो रेडियस होती है वो छोटी हो जाती है ठीक है तो एम प्लस मतलब आयन और पेरेंट आइटम की बात करें किसकी रेडियस ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि पेरेंट आइटम की ज़्यादा होगी और आयन की कम हो जाएगी एटॉमिक और आयनिक रेडिया अल्कली मेटल की अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो वो इंक्रीज़ हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पे ये साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है जैसे लिथियम से सीजियम में जाएंगे आइनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है और लिथियम टू सोडियम जाने पर मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर यह डिक्रीज हो जाती है ये इसलिए क्योंकि इंक्रीजिंग साइज़ आउटवेट कर देता है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज को ठीक है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा uh, जो चार्ज है एक तो चार्ज है और एक दो दो फैक्टर होते हैं जो आइनाइजेशन एनथेरेपी को काउंट्रैक्ट करते हैं ठीक है एक हो गया हमारा इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा दैट मीन्स आइनाइजेशन इन्थेरेपी ज़्यादा होगी अगर रेडियस ज़्यादा हो गई इसका मतलब है आइनाइजेशन एनथेरेपी कम होगी जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा दैट मीन्स आइनाइजेशन एंथेरेपी कम होगी ठीक है तो यहाँ पर आइन आईसीजन अल्कली मेटल्स की कम होती है क्योंकि यहाँ पर आ, इंक्रीजिंग साइज आउटवेट कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज को ठीक है मतलब डोमिनेट फैक्टर क्या हो जाता है इंक्रीजिंग साइज हो जाता है और इसी वजह आई से आईनआईसी थेरेपी क्या हो जाती है कम हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल आयन की डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन आइनिक साइज़ जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हम आयनिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के आगे जैसे जैसे आयन का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी तो लिथियम आयन की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी ठीक है मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मिलती है लिथियम प्लस में लिथियम आयन में और लिथियम लिथियम सॉल्ट ज़्यादातर हाइड्रेटेड होते हैं जैसे एल आई सी एल डॉट टू एच टू हो एल आई सी एल डॉट टू एच टू ठीक अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो सारे अलकली मेटल जो होते हैं सिल्वरी वाइट सॉफ्ट लाइट मेटल होते हैं सारे अलकली मेटल कैसे होते हैं सिल्वरी वाइट सॉफ्ट होते हैं साथ में ये सॉफ्ट होते हैं बात ध्यान रखने की सॉफ्ट होते हैं लाइट मेटल्स होते हैं लार्ज साइज़ होने की वजह से ये एलिमेंट की इन एलिमेंट्स की लो डेंसिटी होती है जो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो जाती है हालांकि पोटेशियम लाइटर होता है देन सोडियम वैसे तो एन के हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं बस कुछ ही पॉइंट्स को बहुत हाईलाइट करती हूँ जो मुझे बहुत ही मतलब या तो याद करने में दिक्कत होती है या फिर मुझे लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है मतलब कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं लेकिन मेरे हिसाब से तो एन की सारी लाइन ही पढ़नी चाहिए हाउ एवर हालाँकि पोटेशियम लाइटर होता है देन सोडियम ठीक है पोटाशियम क्या होता है लाइटर होता है देन सोडियम लेकिन अगर हम एक डाउन द ग्रुप जाने की बात करें तो क्या हो रहा है डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उस हिसाब से पोटेशियम भारी होना चाहिए था मतलब पोटेशियम की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए तो यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है यहाँ पर क्या होता है पोटेशियम लाइटर होता है देन सोडियम ठीक है ये एक्सेप्शन है याद कर लीजिएगा मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट की बात करें हलकली मेटल की तो वो लो होता है ये लो इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है वीक मेटालिक बॉन्डिंग क्यों होती है क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है जितने ज़्यादा बैलेंड इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होती है ये केस आप हाँ पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में वहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन में अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो इसी वजह से वहाँ पर स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग मिलती है लेकिन इस केस में चूँकि यहाँ पर सिर्फ़ एक ही सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पे वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है और इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है एल्कली मेटल और उनके सॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को ये, इसी ये इस वजह से है क्योंकि जो फ्लेम से हीट मिलती है वो आउटर मोस्ट और बाइटल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराकर हायर एनर्जी लेवल तक पहुँचा देते हैं और जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये रेडिएशन को इमिट करते हैं इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम ठीक जैसे यहाँ पे लिथियम लिथियम की बात करें तो ये क्रिमसन रेड के क्रॉसबॉन्डिंग और लाइट का इमिशन करते हैं सोडियम की बात करें तो येलो सोडियम लैम्प भी सुने होंगे तो आ, उस चीज़ से याद कर सकते हैं कि येलो लाइट पोटेशियम वायलेट और रोबीडियम रोबीडियम मतलब आर से रोबीडियम एंड आर फोर रेड वायलेट सीजियम की बात करें तो ब्लू से याद सीजियम ब्लू लिथियम क्रिमसम क्रिमसन रेड सोडियम येलो पोटेशियम वायलेट रोबीडियम रेड वायलेट एंड सीजियम ब्लू एल्कली मेटल को इसी वजह से फ्लेम टेस्ट की फ्लेम uh, टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं या फिर फ्लेम फोटोमेट्री या फिर एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी डिटरमाइन कर लिया जाता है ये एलिमेंट element, इन एलिमेंट्स को जब लाइट से इेडिएट किया जाता है तो लाइट एनर्जी एबजॉर्ब होती है ये एलिमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एनर्जी इतनी सफिशियंट होती है कि ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं मैंने पहले भी बताया कि इनके आईनाइसन हथियार बहुत कम होती है आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ठीक है फिर टेबल पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें